च्युत केशव कृष्ण दामोदरम राम नारायण की बल्लम श्री गणेशाय नमा श्री गुरुभ्यो नमा श्री गोविंदाय नमा अब तक आपने श्रवण किया कि वाल्मीकि मुनि द्वारा किस प्रकार राजा दृढ़ धनवा को पुरुषोत्तम मास व्रत के स्नान पूजन और कलश स्थापना की विधि के बारे में बताया गया है यह आप पुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय बीस में जाकर श्रवण कर सकते हैं अब इसके आगे वाल्मीकि मुनि द्वारा पुरुषोत्तम मास महात्मय में मूर्ति की स्थापना के विषय में वाल्मीकि मुनि बोले इसके बाद प्रतिमा की स्थापना अर्थात प्राण प्रतिष्ठा करें यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तो वह प्रतिमा धातु की ही कही जाती है अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपोलों का, का स्पर्श करके हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने पर सोने आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है उसमें देवता वास नहीं करते हैं हे पार्थिव दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवतत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक करनी चाहिए पुरुषोत्तम भगवान के बीच मंत्र से और तादुशरो परम पद सदा इस मंत्र से करना चाहिए मंत्र वेता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगुष्ठ निरंतर रखकर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करे इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो इस प्रतिमा में प्राण चलायेमान हो इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवतत्व प्राप्त हो स्वाहा इस तरह मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों से अंग मंत्रों से वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करे या फिर अच्छी तरह चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में हाथ जोड़कर तत देवताओं का अनुस्मरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करे इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करे श्री वस् चिन्न से चिन्हित वक्ष स्थल वाले शांत नील कमल के दल के समान छवि वाले तीनों जगहों से टीढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर मौन होकर पवित्र होकर सोरछपचार से पूजन पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें हे देव हे देवेश हे श्री कृष्ण हे पुरुषोत्तम राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन का ग्रहण कीजिए श्री आदि का सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार या कहकर आवाहन करें हे देव देवे सो हे पुरुषोत्तम अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटिल और स्वर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करें इस तरह कहकर आसन समर्पण करें गंगा आदि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ सुख स्पर्श वाला जल पाद्य के लिए ग्रहण करें इस प्रकार कहकर पाद्य को समर्पण करें हे हरे गोपी गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्थ को ग्रहण करें यह कह कहकर अर्थ समर्पण करें हे ऋषिकेश अर्थात हे विषय के मालिक हे पुराण पुरुषोत्तम अच्छी तरह से लाया गया और स्वर्ण के कलश में स्थित गंगा जल से आप आचमन करे यह कहकर आचमन समर्पण करे हे हरे मेरे से लाए गए पंचामृत से श्री राधिका सहित जगत के दाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्ध को प्राप्त, सिद्ध को प्राप्त हे राधिका के आनंद दाता दूध दही गौ का घृत शहद और चीनी इन द्रव्यों को ग्रहण करें यह कहकर पंचामृत से स्नान समर्पण करें हे नाथ योगेश्वर देव गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार हे कृष्ण गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया यह जल है नंद का आनंद देने वाले आप इसको ग्रहण करे या कहकर फिर स्नान समर्पण करे हे देव समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन दो पीताम्बरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया हे सुरसम आप ग्रहण करें यह कह कहकर वस्त्र समर्पण करें और वस्त्र धारण के बाद आचमन देवे हे दामोदर आपको नमस्कार है इस भाव से मेरी रक्षा करें हे पुरुषोत्तम उत्तरीय वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें यह कहकर जनेयु समर्पण करें और आचमन देवे हे सुरश्रेष्ठ अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन लेपन आपके लिए है इसको ग्रहण करे यह कह कहकर चंदन का समर्पण करें हे सुरश्रेष्ठ केश से रंगे हुए स्वभिमान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया है हे पुरुषोत्तम आप ग्रहण करें यह कहकर अक्षत समर्पण करें हे प्रभु मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ आप इनको ग्रहण करें यह कहकर पुष्प समर्पण करें इसके बाद अंगों का पूजन करें नंद यशोदा के पुत्र केसी दैत्य को मारने वाले पृथ्वी के भार को तारने वाले अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले प्रद्युम्न अनिरुद्ध श्रीकंठ सकलस्त्र ध्रक वाचस्पति के केशव वाचस्पति केशव और सर्वात्मा इन नामों से पैर गुल्फ जानु झंग जघन कटी मेढ़ नाभि हृदय कंठ बाहु और मुख नेत्र सिर और सर्वांग का पुष्पों को हाथ में लेकर चतुर्थयंत्र नामों को कहकर विश्व रूपी जगत उत्पत्ति भगवान का पूजन करें इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन कर फिर चतुर्थ पर्यंत के केशव आदि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें वनस्पतियों के रस से से बना हुआ गंध गंध युक्त उत्तम समझ के के योग या धूप है इसको आप ग्रहण करें या कहकर धूप समर्पण करें हे भगवान आप समझ देवताओं के ज्योति हैं तेजों में उत्तम तेज हैं आत्मज्योति के परम धाम या दीप ग्रहण करें यह कह कहकर दीप समर्पण करें हे देव नैवेद्य को ग्रहण कर करें और मेरी भक्ति को अचल करे इच्छानुकूल वर को देवे और परलोक में उत्तम गति को देवे यह कहकर नैवेद्य समर्पण करें मध्य में जल समर्पण करें आखिर में आचमन जल को देवे हे ऋषिकेश हे त्रैलोक्य के व्याधियों को समन करने वाले अच्छी तरह से स्वर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूँ इस जल से आप आचमन करें यह कहकर आचमन देवे हे देव मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है इसलिए मेरे को जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो यह कह कहकर श्रीफल बेल को समर्पित करें हे देव हे परमेश्वर गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस हाथ की शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करें यह कहकर उपटन समर्पित करें हे देव सुपारी से युक्त कर्पूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबुल को ग्रहण करें यह कह कहकर तामुल का समर्पण करें ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीच अनंत पुण्य के फल को देने वाले स्वर्ण आप ग्रहण करें मेरे लिए शांति को देवे यह कहकर दक्षिणा समर्पित करे शरद काल में होने वाले कमल के समान श्याम तीन जगहों से टीढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ यह कह कहकर नीराजन समर्पण करे हे जगन्नाथ रक्षा करो रक्षा करो हे त्रैलोक्य के, के नायक रक्षा करो आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो मेरी प्रतीक्षणा को ग्रहण करे ऐसा कहकर प्रदीक्षणा समर्पित करे योगेश्वर देव के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है या कहकर मंत्र पुष्पादि अंजलि समर्पित करें विश्वेश्वर विश्वरूप विश्व के उत्पन्न करने वाले के स्वामी नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है नमस्कार है नमस या कहकर नमस्कार समर्पित करें मंत्रहीन क्रियाहीन इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमा छम, याचना समर्पित करके स्वाहत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें पुरुषोत्तम मास के उत् धृत का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के समर्पित करें यस यश स्मृत नया तपो यज्ञ क्रिया से जनार्दन भगवान को नमस्कार करें प्रामादात प्रमा क्रमा इस मंत्र से जो कुछ कमी रह गई हो उसको संपूर्ण करके सुख पूर्वक रहें इस प्रकार जो इस पृथ्वी तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मणों को आचार्य बनाकर मेघ के समान वर्ण वाले राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा वह इस पृथ्वी के अतुल सुखों को कर बाद में परम पद को प्राप्त होगा इस प्रकार पुरुषोत्तम मास अध्याय संपूर्ण हुआ पुरुषोत्तम मास महत्व में अध्याय एक से बीस की कथा आप मेरे चैनल के प्ले अधिक मास अध्याय में जाकर श्रवण कर सकते हैं अगला अध्याय अब अगली वीडियो में तब तक के लिए राधे कृष्ण